Hello, good morning all. So today I am here with class 35, day 35, whom with preposition. ठीक है, whom with preposition आज आप पढ़ेंगे. इसके पहले आपने who और whom में अंतर पढ़ा day 34 में कि difference क्या होता है who और whom में. और अब हम पढ़ेंगे whom with preposition. ठीक. तो पहला sentence हमारा तुम ये पैसे किससे लाए हो. ठीक. तो अगर आपको ये पता करना है कि whom के साथ कौन सी preposition लगेगी तो पहले आप उस प्रश्न का उत्तर दें. ठीक. जैसे अगर मैंने पूछा तुम ये पैसे किससे लाए हो तो आप यहाँ पर बोल दीजिए, एक सेंटेंस बनाइए कि मैं ये पैसे रवि से लाया हूँ. तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव ब्रॉट दिस मनी फ्रॉम रवि. तो फ्रॉम रवि जो है, रवि के पहले जो क्वेश्चन आई आप वहां से आप फ्रॉम उठा लीजिए और इसके पहले हुम के पहले लगा दीजिए. तुम ये पैसे किससे लाए हो, फ्रॉम हुम हैव यू ब्रॉट दिस मनी. तो बड़ा आसान है, प्रश्न का पता लगा. अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम यह सब किसके लिए करते हो, किसके लिए करते हो. ठीक. जैसे आपने कहा कि मेरे पिताजी ये सब मेरे लिए करते हैं, माय फादर डस ऑल दिस फॉर मी. ठीक है, ये मेरी मम्मी भी ये सब मेरे लिए करती है, माय मदर डस ऑल दिस फॉर मी. तो तुम ये सब किसके लिए करते हो, फॉर होम डू यू डू ऑल दिस. डू एक तरफ ऑक्सिलरी है और यहां पर डू वर्ब है, वर्ब डू का मतलब करना. तुम ये पैसे किसे दोगे, किसको दोगे, तुम ये पैसे किसको दोगे. तो मैं पैसे दीदी को दूंगा, आई विल गिव दिस मनी टू दीदी. ठीक. तो अब टू दीदी, तो टू के पहले क्या लगा जो है, दीदी के पहले टू. तो तुम ये पैसे किसे दोगे, टू होम विल यू गिव दिस मनी. ठीक, बड़ा आसान है. अगला सेंटेंस है, अनुज किस पर हंस रहा है, किस पर, एट होम ही इज लॉफिंग एट मी. तो अनुज किस पर हंस रहा है, एट होम इज अनुज लॉफिंग. ठीक, एट होम इज अनुज लॉफिंग. पापा किसके साथ लखनऊ गए, किसके साथ के लिए विद लगाएंगे, विद होम डिड पापा गो टू लखनऊ. तुम किसके साथ यहाँ आते हो, विद होम डू यू कम हियर. ठीक, तुमने किसके साथ पढ़ाई की, विद होम डिड यू स्टडी. आप लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, तो ट्रांसलेशन है अबाउट होम, के बारे में अबाउट होम वर यू ऑल टॉकिंग. देखिए बड़ा आसान सा है ये पता करना कि कौन सा प्रोपोजिशन किसके साथ लगेगा. ऐसे ही अगला है, उसने किसकी शिकायत की, शिकायत करने के लिए हम अगेंस्ट लगाते हैं. तो अगेंस्ट हुम डिड शी कंप्लेन, उसने किसकी शिकायत की, अगेंस्ट हुम डिड शी कंप्लेन. वो किसका इंतजार कर रही थी, फॉर हुम वाज शी वेटिंग, फॉर हुम वाज शी वेटिंग. ठीक है, कहीं कहीं बोलते हैं हुम वाज शी वेटिंग फॉर, ये भी बोल देते हैं हुम वाज शी वेटिंग फॉर. अब इसके बाद हम अपवाद भी देखते हैं. अपवाद मतलब एक्सेप्शन. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सब बच्चे स्वेटर पहनते हैं, कोई लड़का स्वेटर पहन के नहीं आता, वो कहता है हमको जाड़ा ही नहीं लगता. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अपवाद है. ठीक, सब दाहिने चलेंगे, सब बाईं तरफ चलेंगे तो दाहिनी तरफ चलेगा. ठीक है, सब साइकिल हाथ में पकड़ के चलाएंगे था तो वो हाथ छोड़ के चलाएगा. तो इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद. ऐसे ही यहाँ भी अपवाद होते हैं. वह किससे बात कर रही थी. ठीक है, तो किससे की गई शब्द यहाँ क्या लिखी, तुम ये पैसे किससे लाए हो, फ्रॉम होम. बट टॉक के लिए हम यहाँ पर टू लगाए हो, किससे बात कर रही थी, टू होम वॉज शी टॉकिंग. ठीक, ऐसे ही उसने मेरी शिकायत किससे की, टू होम डिड शी कंप्लेन अगेंस्ट मी. उसने मेरी शिकायत किससे की, टू होम डिड शी कंप्लेन अगेंस्ट मी. अब देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये दो सेंटेंस. एक तो किससे के लिए हम टू का यूज कर रहे हैं, तो कंप्लेन और टॉक के लिए हम टू का यूज करते हैं. और यहाँ पर कंप्लेन के साथ देखिए दो प्रोपोजिशन आ गई, एक उसने मेरी शिकायत किससे की थी, टू होम डिड शी कंप्लेन अगेंस्ट मी, और उसने किसकी शिकायत की, अगेंस्ट होम डिड शी कंप्लेन. तो ये भी एक कंफ्यूजिंग स्थिति पैदा हो गई यहाँ पर. तो इसको आप देखें कि उसने मेरी शिकायत किससे की, मैंने कहा एक्सर दे लीजिए, तो उसने मेरी शिकायत रवि से की, शी कंप्लेन अगेंस्ट मी टू रवि. अब दो प्रोपोजिशन लग गई, तो होम को दो तरह से आप बना सकते हो, तो टू होम डिड शी कंप्लेन अगेंस्ट मी, और किसकी की, तो अगेंस्ट होम डिड शी कंप्लेन. ठीक, तो बड़े आसानी से आप जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो प्रीपोजिशन आएगी आंसर में, जैसे उसने मेरी शिकायत रवि से की, शी कंप्लेन अगेंस्ट मी टू रवि, तो अगर आपको पूछना उसने किसकी शिकायत की, तो होगा अगेंस्ट होम डिड शी कंप्लेन. अगर होगा उसने किससे शिकायत की, तो होगा टू होम डिड शी कंप्लेन अगेंस्ट रवि. ठीक, तो आसानी से आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं. इतना आसान तो नहीं जितना आसान मैं बोल रहा हूँ, बट बार बार सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्स करेंगे. जिसको दिक्कत है कमेंट में डालिए, उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा.
तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो who, whom, whose टिपिकल टर्म है, इसको बार बार सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद जब आप मनन करेंगे, बार बार लिखेंगे, समझेंगे, तब आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो अगर आप वास्तविकता में गहराई में डूब रहे हैं, किनारे पर बैठ के मोती नहीं मिलते, तो अगर आप वास्तविकता में गहराई में डूब रहे हैं और समझना चाहते हैं और ऐसा समझना चाहते हैं समझा सकें, अंग्रेजी मजबूत करना चाहते हैं, तो बार बार इसको सुनिए। That's all about today's class. Good day, dear students. Channel को like और subscribe जरूर करें। Thank you.